भावना प्रवचन माला में अनित असरन और उसी के अगले क्रम में संसार भावना प्रारंभ हो रही है। भावनाएं ही हैं, व्याख्यान के लिए क्रम सुनिश्चित किया गया है। भावना भाने में किसी भी भावना से आप विचार चिंतन कर सकते हो। आज संसार भावना का संदर्भ है। संसार किसे कहते हैं, अपने मन में प्रश्न आना चाहिए कि संसार की परिभाषा क्या है। आचार्यों ने समाधान दिया है, चतुर्गति भ्रमण रूपः संसारः। संसार क्या है, चार गतियों में जो भ्रमण हो रहा है इसका नाम संसार है। पंच परावर्तन रूपः संसारः, जीव जो पांच प्रकार के परावर्तन कर रहा है इसका नाम संसार है। परिभ्रमणम संसारः, जीव जो भटक रहा है इसका नाम संसार है। या संसरणम इति संसारः, परिवर्तनम इत्यर्थः, जो संसरण कर रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, सरक रहा है इसका नाम संसार है। संक्षेप में कहें तो सतत परिवर्तन का नाम ही संसार है। हमारा विश्वास अनित्यता पर भी है और नित्यता पर भी है। असरणता पर भी हमने विचार किया और क्या शरण है हमारे लिए इस पर भी विचार किया। ये विचार चिंतन जब हमारे मन में आता है, इसी विचार चिंतन को फिर हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। और ऐसी अनुप्रेक्षा को बार 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 मन में दोहराना पड़ता है। जैसे बर्तन को बार बार मांजें तो बर्तन की चमक बढ़ती है। एक बार धोने पर कपड़ा साफ सुथरा नहीं दिखता है, फिर आप दूसरी बार, हाँ चाहे अपने हाथ से करो और चाहे अब मशीन में डाल करके करो, जब निकाल करके देखा नहीं अभी पूरा साफ नहीं है, एक बार और, दो बार, तीन बार। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसमें उजलापन आएगा, निखार आएगा। ठीक इसी तरह से एक बार भाने से उतना निखार नहीं आता। तत्व का विचार दूसरी बार भी करो, तीसरी बार भी करो, बार बार करो तो तत्व के विचार में निखार आने लगता है, पैनापन आने लगता है, गहराई आने लगती है। गहराई जल्दी नहीं आती है, गहराई को पाने के लिए आपको गहरे में उतरना पड़ता है। तत्व का ज्ञान हमारा चिंतन बने, विचार बने और वह विचार स्थायी रूप ले, इसके लिए बार 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 भावना भाना पड़ती है।
संसार की वस्तुओं की भावना तो संसारी प्राणी बार बार भाता है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये प्राप्त करना, मुझे ये प्राप्त करना। ठीक है, जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना, रोज भाव, बार बार भाव। लेकिन उस भाने में और उस पाने में क्या आपने ये अपनी समझ जोड़ रखी है कि जो मेरे पास आया है वो हमेशा हमारे पास रहेगा नहीं, जो हमने जोड़ा है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा नहीं, या तो हमें अपने होशो हवास में छोड़ देना पड़ेगा। क्या जो हमने जोड़ा है उसे या तो हमें अपने होशो हवास में छोड़ देना पड़ेगा या ये हमारे लिए बेहोशी में छोड़ करके चला जाएगा। बात सच है कि नहीं है? या तो देखो, होश में जोड़ा है आपने, बेहोशी में तो जोड़ा नहीं किसी ने, बेहोशी में जोड़ा क्या? नहीं, सबने होश में जोड़ा है, पसीना बहा करके जोड़ा है, मेहनत करके जोड़ा है। जब आपने होशो हवास में जोड़ा है तो जाने के पहले पहले होशो हवास में ही छोड़ करके जाओ ना। और यदि ऐसा आप नहीं करोगे तो होशो हवास में तो आपने जोड़ा है और ये आपको बेहोशी में छोड़ करके चला जाएगा। हम सोचते तो रहे आखिरी में छोड़ देंगे, आखिरी में छोड़ देंगे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि आखिरी कब आना है। आखिरी कब आना है किसी को पता नहीं, तो देखो छोड़ने में और छूट जाने में बड़ा फर्क है, छोड़ने में और छूट जाने में बड़ा फर्क है। आपने भोजन किया, दिन भर अच्छा लगा, बल ऊर्जा बनी रही और सुबह आप जंगल गए, फ्रेश होकर के अच्छे से वापस आ गए, आपको सुकून मिला, ये तुम्हारी प्रकृति है। आपने मन माफिक भोजन किया और अभी दिन भर निकला नहीं, अगले सुबह की बात छोड़ दो और दोपहर को ही जी मचलाया, पेट में गड़बड़ी दिखी और बमन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, अब पेट पूरा खाली, मन निराश हो गया, मन दिन भर अच्छा नहीं रहा। कोई कहेगा कल पेट खाली करना था, आज ही खाली हो गया तो और अच्छा रहा। नहीं भैया, वो खाली करते थे, ये खाली अपने आप हो गया। छोड़ने में और छूट जाने में अंतर है। आप अपने मन से यदि छोड़ते हो तो त्याग माना जाएगा, और मजबूरी में छोड़ना पड़े, ऐट आगे नहीं बढ़ना, रास्ता रोक लिया हम लोगों ने और अंदर से कपड़े के अंदर से कुछ आपको दिखा दिया और कुछ लंबा लंबा सा है और आपने समझ लिया बंदूक है, लेकिन तुमने शोले की फिल्म नहीं देखी होगी कि उसने लकड़िया को बंदूक बता करके और चाबी लेकर के वो जेल से निकल गए, समझ गए ना, धोखा दे करके, अंदर कुछ नहीं था, एक लकड़ी यूं। तो यदि लकड़ी भी अंदर रख करके दिखा दी तो तुमने क्या समझ लिया, बंदूक। अब हो सकता असली भी बंदूक हो तो भी डर लगता है, भैया क्या भरोसा, रात में खड़े हैं, चार पांच दिख रहे हैं, अट्टे कट्टे पट्टे से दिख रहे हैं, हैं धाड़ी मूछे मूछे बड़ी बड़ी हैं, कोई भरोसे के आदमी दिख नहीं रहे हैं, भैया फंस गए। ऐ सेठ जी क्या रखे हो, सब कुछ निकाल दो। सेठ जी भी कहते हैं तुम जो चाहो सब ले लो, लेकिन हमको
निकल जाने दो। गया, त्याग नहीं किया तुमने, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। जीवन प्यारा था, सामने वाले का क्या भरोसा, वो तो मरने मारने को तैयार ही है, उसका तो रोज का काम है, अपना तो घर परिवार देखना अपन को। भैया जाने दो, जान बची तो क्या कह के जाते हो, क्या कह के जाते हो खुश होकर के, भैया बाहर का गया तो गया, जान बची, लाख उपाय फिर कमा लेंगे। त्याग नहीं हुआ और चला गया, बीमारी में लग गया, नुकसान हो गया। और यदि तुम कामा में चले गए, होशो हवासी नहीं है, अब छोड़ो ना छोड़ो, सब छूट गया ही समझ लो। लेकिन जो छूट गया है वो त्याग नहीं है, जो होशो हवास में छोड़ा है, भले थोड़ा हो ज्यादा हो, उसका नाम त्याग माना गया है। संसारी प्राणी इन्हीं परिणामों में उलझा हुआ रहता है। मोह और मिथ्यात्व का प्रभाव इस जीव पर निरंतर पड़ रहा है। कोई विरला ज्ञानी ही ऐसा होता है जो संसार के स्वरूप को समझ करके संसार में रहते हुए भी परमार्थ को पकड़ लेता है। संसार को छोड़ा नहीं, पर परमार्थ को पकड़ना शुरू कर लिया। परमार्थ हमारी पूंजी है, संसार पूंजी नहीं है। संसार तो पुण्य की पूंजी है, परमार्थ तो कल्याण करने के लिए पूंजी मानी गई है। बंधुओं, ऐसे इस संसार के सत्य को समझने के लिए, यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने भावनाओं में एक संसार भावना भी रखी है। बार बार जिसे भाया जाता है वो भावना कहलाती है। अशुभ की ओर हम भाते हैं तो संसार बढ़ता है, और शुभ की ओर भाना शुरू करते हैं तो संसार घटता है। क्या होता है? संसार घटता है। वास्तविक तत्व को विचार करके यदि परमार्थ से जुड़ते हैं तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, और यदि वास्तविक तत्व को नहीं पकड़ पाते हैं, अज्ञानता में पड़े रहते हैं, तो संसार हमारा निरंतर उन्हीं संसारी भावनाओं से बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। क्या है संसार? जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। दो पंक्तियों में ऊपर की पंक्ति है, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। ये संसारी प्राणी जो बार बार जन्म ले रहा है और बार बार मरण को प्राप्त हो रहा है, यह जन्म के कष्टों को भी सह रहा है और मरण के कष्टों को भी सह रहा है। जन्म में भी कष्ट हैं, मरण में भी कष्ट हैं। किसके लिए? संसारी प्राणी के लिए। जन्म के त्रास शास्त्रों में पढ़ते हैं, कितने तरीके से लिखे हैं। प्रकृतिकृत व्यवस्था है, कोई चाहे या ना चाहे
उसे उसमें ढलना पड़ता है, और जब उस स्थिति में ढलता है तो इसको त्रास कष्ट का अनुभव होता है। उस समय के उस कष्ट को वो व्यक्त भी नहीं कर पाता। जन्म का कष्ट इस संसारी प्राणी को है, बुढ़ापे का भी कष्ट है कि नहीं है? बूढ़े आदमी से पूछो, अभी हमें क्या पता, देखने से तो समझ में आता है ना। जो व्यक्ति वृद्ध लोगों के साथ रहेगा वो वृद्धों के कष्टों को समझेगा, और वही वृद्धों के कष्ट को समझ सकता है जो वृद्धों के साथ रहकर वृद्धों की सेवा करने का भाव रखता है। अपने परिवारी सदस्यों में वृद्धों की सेवा करना किसी त्यागी वृत्ति की सेवा करने से कम नहीं माना जाना चाहिए। आप कहोगे नहीं, वो तो असंयमी है, उनके कोई व्रत नियम थोड़ी है, हम तो संयमी की सेवा करेंगे, हम तो त्यागी वृत्ति की सेवा करेंगे। हाँ, महाराज जी की सेवा करने को तो कई तैयार हो जाते, क्योंकि उनको स्वर्ग की सीढ़ियां दिखती हैं। पैर का अंगूठा पकड़ा तो पहला स्वर्ग, थोड़े से ऊपर को गए तो दूसरा, तीसरा, घुटने तक आ गए तो आठवां दसवां, और ऊपर को आ गए तो सोलहवां स्वर्ग दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि संयमी है, धर्मात्मा है। आरिकाओं के पास महिलाएं जाएंगी तो उनको भी स्वर्ग दिखते हैं, इनकी सेवा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, भले हम धर्म ना करें बाकी के मिलेगा। त्यागी वृत्ति की सेवा करने को कोई भी तैयार हो जाता है, लेकिन जिन सदस्यों ने परिवार को संरक्षण दिया है, जिन सदस्यों के पुण्य से परिवार फला फूला है, पुण्य से फला फूला है, हो सकता उनके अशुभ कर्म से परेशान भी रहा हो सकता उन वृद्धों के कुछ विपरीत स्वभाव से भी परिवार परेशान रहा हो। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में जाने पर स्वभावगत विपरीतताएं भी बहुत आ जाती हैं। लेकिन वृद्धों की स्वभावगत विपरीतता कितनी भी क्यों ना आ जाए, वह उनकी उम्र का तक आ जाए,